के भैया वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बहुत दिन हो गए मैंने वीडियोस नहीं डाला क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और सामने भी एग्ज़ाम्स है, लेकिन मैंने अपने एग्ज़ाम्स के बीचों बीच और मानवी के एग्ज़ाम के बीचों बीच थोड़ा सा टाइम निकाल लिया आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के लिए। तो ये मेरे दीदी और जीज के लिए एक एनिवर्सरी गिफ्ट है मेरी और मानवी की तरफ से, ये देखो। तो क्या हुआ ना फ्रेंड्स, हम लोग पिकनिक पे गए थे। तो जब पिकनिक पे गए थे तो मैं ये सोच रही थी कि दीदी को और जीज को एक साथ में ही दूँ, तो मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा दोनों के एक साथ ही गिफ्ट देने के लिए। तो हम लोग रवाना हो गए जाने के लिए। हमने बहुत मस्ती की, आप लोग एकदम स्किप मत करना प्लीज़, लास्ट तक देखना। मस्ती करके हम लोग पहुंच गए अपने स्पॉट पे और मुझे ये पता चला कि हमारा जहाँ पे स्पॉट मिला है ना हम लोग को, वहाँ पे एक पानी भी है, पानी का कुछ है। तो हम लोगों ने तो सोचा वाह पानी पे जाके कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे पोजीशन में पानी था कि फ़ोटोज़ तो खींचना नहीं होगा लेकिन और काम चल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन स्पॉट बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे सब लोग गाड़ी से सारी चीज़ें उतार रहे थे नीचे, क्योंकि अभी तो ब्रेकफास्ट की तैयारी होगी ना। तो यहाँ पे ये देखो कितना सुंदर अम्ब्रेला है ना, तो अम्ब्रेला देख के मेरे दिमाग में बस यही बात हिट की कि भाई अभी तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकालने हैं। तो ये शायद मेरे साथ नहीं सबके साथ ही होता है, हाँ अगर एक अच्छा सुंदर स्पॉट देखा नहीं कि बस चलो फ़ोटोज़ खिंचवा लो। तो अभी यहाँ पे कुकिंग की प्रिपरेशन्स हो रहे हैं और यहाँ पे मानवी और रियो लग गए, और आप लोगों को पता है रियो मेरा फेवरेट है, कैसे कूद रहा है। तो यहाँ पे चाय बन गई और अभी मैं चाय तो पीती नहीं हूँ लेकिन सबके साथ मिलके थोड़ा सा पी लिया। तो यहाँ पे और भी एक क्यूट छोटी सी डॉल के जैसी थी वो, मानवी अपनी बिल्डिंग ब्लॉक्स लेके गई थी पिकनिक पे और एकदम से अच्छा ही हुआ, सबने मिलके खेला और रियो को तो देखो कैसे खेल रहा था वो। और यहाँ पे आके, यहाँ पे नहीं, भाई का हमेशा चलता रहता है उसका ये मसाज, उसको जहाँ भी जाओ मसाज चाहिए होगा। तो ये देखो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मसाज पिकनिक पे आके भी। बचपन में ना ऐसे मसाज करवाने के लिए भाई मुझे पैसे देता था, मुझे बोलता था कि 10 मिनट मेरा मसाज कर तुझे 10 रुपया मिलेगा, और 10 रुपया पाके मैं कितना खुश होती थी, सोचती थी कि 2 पैकेट चिप्स के खा पाऊंगी। तो यहाँ पे कुकिंग की प्रोसेसिंग शुरू हो गई और भाई बच्चों को दिखा रहा है कि वो कितना टैलेंटेड है, वो बोल रहा है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं देखा होगा। और मैं मानवी और भाई मिलके खेल रहे हैं, बंगाली में इसको कहते हैं इटी मिटी, पता नहीं कौन क्या कहता है। तो थोड़ा सा ताश खेला, फिर भाई और मानवी की मतलब हरकतें देखो, हम लोगों ने बॉल भी खेला, ये सब मतलब बचपन के जो यादें हैं ना वो फिर से एकदम ताज़ा हो गए। हम तीनों पता है क्या कर रहे थे, मैं दीदी और भाई मिलके हम लोग ये हमारे जो बचपन के जो मेमोरीज है वो याद करने की कोशिश कर रहे थे। तो मानवी तो बहुत छोटी है, हमारे जो बचपन के जो मोमेंट्स थे वो उसने नहीं जिए, वो अभी तक बहुत छोटी है इन सब के लिए। तो क्या होता था ना, भाई जब कंप्यूटर में क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट खेलने के बाद जब वो सिक्सर लगाता था तब मेरा एक ही काम होता था, उसका हाथ पकड़ के बोलती थी भाई का नाम, तो भाई का नाम लेती थी और कहती थी कि भाई इज़ द बेस्ट, भाई इज़ द बेस्ट और करके पीठ में शाबाशी देती थी। इतना वायरल सॉन्ग है जामालकुट्टू, उसमें अरे ग्लास तो सर में ले नहीं सकती, सोचा कि ऑरेंज से ही काम चला लूं। तो अभी सब लोग अपने अपने काम पे हैं,
और यहाँ पे हम लोग खेल रहे थे और सामने रियो खाना खा रहा था। तो यहाँ पे दीदी जो है ना वो लहसुन छील रही थी। तो लहसुन छील रही थी तो मैंने सोचा कि इतना सारा लहसुन है वो अकेली कैसे छीलेगी। फिर पहले मैं आई, उसको हेल्प किया, उसके बाद पीछे पीछे भाई आया, उसके बाद मानवी आई। तो हम चारों ने मिल के लहसुन छीला। मैं आपको दिखाऊंगी, एक सेकेंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लो कैसा स्पॉट है। तो स्पैट बोल रही हूँ, स्पॉट बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मानवी। अभी मेरा तो कोई कैमरामैन है नहीं जो दिखाए, मैं खुद ही दिखा देती हूँ। ये देखो मैं भी छील रही थी। मेनली हमारी जो कुकिंग हो रही थी वो गैस पे ही हो रही थी, लेकिन गैस पे अगर सब आइटम्स होने लगे तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि शाम भी हो रही थी ना। तो इसीलिए सबने मिलके यहाँ पे छोटा सा गड्ढा बना लिया और उस पे बिठा के कढ़ाई को एक चटनी बनाया। हम बंगालीज का इमोशन, पता नहीं ये वीडियो कहाँ कहाँ तक जाएगा, लोगों को समझ में आएगा भी या नहीं, लेकिन हमारे बंगाली में ये बहुत ही एक फेमस है, जो कि है शुटकी शीतल चटनी, इंग्लिश में बोले तो ड्राई फिश, ठीक है। तो फिर उसका चटनी हम लोग खाते हैं। तो यही बस बन रहा था, इसको बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ पे हम मैं जीज भाई मानवी मामा सब मिलके ताश खेल रहे थे, कॉल ब्रिज खेल रहे थे, क्योंकि मुझे कॉल ब्रिज के अलावा कुछ आता भी नहीं है ताश में। तो यहाँ पे देखो डिलीशियस चिकन एकदम बन गया। तो मैं वीडियो कर रही थी कि देख रही हुए मानवी और भाई कहाँ पे जा रहे हैं। मैं भी भागी उनके पीछे कि क्या कर रहे हैं दोनों, मैं भी तो देखूं। और यहाँ पे जाके दोनों ऊपर से नीचे का व्यू देख रहे थे। और यहाँ पे देखो हमारा आज का स्पॉट जहाँ पे हम लोग पूरा दिन बिताने वाले हैं। तो यहाँ पे नीचे आके मुझे तो शौक ही लग गया। यहाँ पे देखा कि बैगन को एकदम से क्या बोलूँ, बैगन पूरा बारबेक्यू इंग्लिश में तो यहाँ पे बैंगन के भरते के लिए प्रिपरेशन चल रहे थे। फिर देखा कि भाई और मानवी फिर से कहीं पे जा रहे थे। मैं बोल रही थी कि कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, इतना क्यों भाग रहे हो। भाई बोला कि तू भी भाग। मैंने बोला नहीं, मेरे पास एनर्जी नहीं है। भाई बोला अरे क्यों एनर्जी नहीं है, तू ना पतली होने वाली है। तो मैंने बोला कि हाँ अभी तो वेट लॉस किया। बोले और कर, बोल के दोनों भागने लगे। तो उनका पीछा मैंने छोड़ दिया, कुछ भी करो भाई लोग। ये देखो दोनों यहाँ पे आके ऐसे बैठे हैं। तो अभी सब देखो थोड़ा सा शाम भी होने लगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाने के लिए बैठे हैं। तो सच बता रही हूँ गाइस, इतना टेस्टी बना था, स्पेशली वो दाल बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए खाने के लिए। एकदम से गरम गरम राइस और साथ में ये बैंगन का भरता। बैंगन का भरते की मैं क्या बताऊँ, अगर कुछ ना हो फिर भी चलेगा, पूरा का पूरा थाली ऐसे ही मैं खा जाऊँगी, इतना अच्छा लगता है मुझे ये बैंगन का भरता। तो फिर खाने के बैंगन का भरता खाने के बाद अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है, ओ बैंगन की भाजी। तो बैंगन का भाजी, बैंगन का भरता खाने के बाद आ गया वो टेस्टी वाला दाल, और उसके बाद वो ड्राई फिश की चटनी, और उसके बाद आ गया मछली, गोभी, गोभी तो कहते हैं ना, हाँ फूल गोभी और फिश की कड़ी, और उसके बाद आ गया चिकन। फिर जीज और सब लोग मिलके यहाँ पे खाना खा रहे थे। तो हमारा खाना ख़त्म हो गया और देखो एकदम से अंधेरा थोड़ा सा होने लगा और सब लोग टायर्ड हो गए। मैंने भी इतना भागा दौड़ी किया, मानवी की बात थी मत करो भाई रे भाई, इतना एनर्जी मानवी का, और भाई भी कुछ कम नहीं था, कितना कुश्ती किया इन दोनों ने। तो यहाँ पे फ्लैश लाइट जला के सब लोग खाना खा रहे थे क्योंकि अंधेरा हो गया ना। और यहाँ पे जो बचा कुचा जो खाना था वो वहाँ के गार्डन के जो लोग थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग आ गए। तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा अंधेरा हो गया है, लेकिन आप लोग देखो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये भाई और ये मानवी, दोनों ने दो स्टिक उठाया और दोनों तलवारबाजी कर रहे थे। मतलब क्या यार, लेकिन मज़ा बहुत आया गाइस, कुछ भी करो। तो यहाँ पे हम लोग फिर से रवाना हो गए और पूरा का पूरा अंधेरा था, अभी क्या ही दिखाओ। तो हम लोग आ गए घर, चीज ने हमें घर छोड़ दिया। तो अभी हम बहुत टायर्ड है,
तो अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप लोग कुछ पिक्चर्स देखो। तो टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।